इस दुनिया में हर शख्स को जिंदा रहने का हक है, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं जहां हर कोशिश लाचार हो जाती है और मांगी जाती है इंसान की मौत की दुआ। कुछ ऐसी ही कहानी है मुंबई के KEM हॉस्पिटल में काम करने वाली अरुणा शानबाग की। 36 साल पहले बतौर नर्स इस हॉस्पिटल में नौकरी करने वाली अरुणा है तो इसी हॉस्पिटल में, लेकिन नर्स बनकर नहीं। एक मरीज बनकर, एक ऐसी मरीज जो पिछले 36 सालों से हॉस्पिटल के बिस्तर पर खामोश और बेसुध है। गौरतलब है कि तकरीबन 36 साल पहले इसी हॉस्पिटल में काम करने वाले वार्ड बॉय सोहन लाल ने वहशी तरीके से उसका रेप कर डाला, जिसके बाद अरुणा के दिमाग में गहरी चोट आई, यानी ब्रेन डेड। अब अरुणा ना तो बोल सकती है, ना ही किसी को देख या सुन सकती है, बस जिंदा है तो एक बेजान ढांचा बनकर। अरुणा की बिगड़ती हालत को देखते हुए उनकी एडवोकेट ने देश की सर्वोच्च न्यायालय से अरुणा की मौत की गुहार लगाई है। एडवोकेट ने न्यायालय से गुजारिश की है कि अरुणा के शरीर को और ज्यादा तकलीफ देने से अच्छा है उसे दया मृत्यु यानी मर्सी किलिंग देकर इस बेमतलब जिंदगी से छुटकारा दिला दिया जाए। गौरतलब है कि मर्सी किलिंग कई यूरोपीय देशों मसलन नॉर्वे, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, हंगरी, बेल्जियम में मान्य है, लेकिन भारत में इसे गैर कानूनी माना गया है।